हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। तो आज हम वार्ता करेंगे भारत और अमेरिका के मजबूत होते संबंधों के बारे में। पिछली कुछ एक दो वर्षों से हमने देखा था कि भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के संबंधों के हम देखेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में US और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2015 में भारत ने चाइना को पीछे करके दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का तमगा अपने नाम किया था। तो हाल ही में US ने एक विधायी संशोधन पारित किया जिसमें चीन जैसे हमलावर देशों को रोकने के लिए रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए भारत को छूट प्रदान की है। वर्ष 2017 की बात है जब अमेरिका में कहीं ना कहीं रूस के विरुद्ध एक आवाज़ उठ रही थी लोगों की ओर से कि रूस पर प्रतिबंध लगाए जाए, क्योंकि रशिया ने हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जब ये लड़ रहे थे तो उसमें साइबर अटैक्स किए थे और खुफिया एजेंसी के द्वारा रशिया ने कई प्रकार के हस्तक्षेप भी किए थे। तो वर्ष 2017 में इसके विरुद्ध अमेरिकी सरकार ने रशिया के विरुद्ध एक कार्टसन नामक एक्ट लाया था, एक कानून जो कि रूस के साथ व्यापार करने वाले या फिर उससे किसी प्रकार के हथियार अन्य सामान खरीदने के लिए राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगा सकें। यह प्रतिबंध तुर्की, नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया और चाइना जैसे देश भी इस प्रतिबंध का सामना कर रहे हैं। तो बात उस समय की जब 2018 में व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं वो भारत आए हुए थे और उन्होंने 5 यूनिट S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है भारत को $5 बिलियन में देने की पेशकश की और ये अनुबंध भी किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्र जी थे उस समय, तो कहीं ना कहीं इससे अमेरिका को प्रतिबंध करने के लिए हमने आमंत्रित भी किया एक तरह कह सकते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला था। तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण कर रहा है और इसके किसी प्रकार के रक्षा अधिग्रहण या कोई भी निर्णय जो हम लेते हैं किसी दूसरे राष्ट्र के साथ उसमें हमें किसी तीसरे राष्ट्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, ना ही हम उसका पालन करेंगे। तो जो कार्सा एक्ट है उसके अनुसार हमने S-400 लिया तो हमारे पर प्रतिबंध लगना ही लगना था, लेकिन इसमें US के जो इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, अन्य साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इस बात का सुझाव दिया कि भारत एक ऐसे स्थान पर है जो कि चाइना का प्रभाव, जहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना की आक्रामकता का प्रभाव बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की आवश्यकता थी। तो उन्होंने भी ये कहा, सोचेंगे कि ऐसा इंजीनियर और कंप्यूटर साइंटिस्टों ने क्या कहा, तो देखिए चाइना इस समय कई राष्ट्रों से, रूस, अमेरिका, जापान और यूरोपियन यूनियन से कहीं कहीं बहुत तेज़ी से आगे निकल रहा है, तो उन्हें इस बात का भी खतरा है। हाल ही में उसने हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का टेस्ट किया जो कि USA के लिए खतरे की घंटी थी, इंडिया के लिए भी, हाल ही में कहीं ना कहीं और पड़ोसी देशों के लिए भी। तो वहाँ के स्कॉलर्स चाहते हैं कि वो भारत के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग विशेष इन क्षेत्रों में विशेष साझेदारी विकसित करें और जो है एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन भी करें, साथ ही में अन्य प्रकार के इनोवेशन भी करें जिससे कि कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल वारफेयर, केमिकल वारफेयर, इस प्रकार की जो नीतियाँ हैं इसमें इन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ अपनी सूचनाएं भी जो है शेयर की। यही नहीं, US के साथ हमारे और भी लिमोवा, कॉमकाशा और बेका जैसे एग्रीमेंट भी साइन हुए जो कहीं ना कहीं हमें एक एडवांटेज भी दी है कि US हमें सैंक्शन हमारे ऊपर ना लगाए। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए रिश्ते का एक कहीं ना कहीं अच्छा संकेत है।
आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।